राम भाइयों, मैं आपका दोस्त राधे श्याम भावसर। तो मैंने ये बिल बुक छपवाए हैं, तो इससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे अच्छे से। और मैंने ना 102, 103, 104 ऐसा कुछ तो भी छपवाए हैं। मैंने इनको शुरू कर दिया है यूज़ करना और काफ़ी अच्छा पेज मुझे मिला है दोस्तों, पेज अच्छा मिला है, डील काफ़ी अच्छी थी। और 2 साल से मैं छपवाए थे, बट मैं आज बनाऊँ वीडियो कल बनाऊँ तो बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। लेकिन अभी चलो इसकी वीडियो बना देते हैं। इसमें क्या क्या रूल्स है, हमारे टर्म्स और कंडीशंस है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले ये टर्म्स और कंडीशंस हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए अगर आप चाहते हो इस तरह से बिल बुक बनवाना, तो स्क्रीनशॉट इसका निकाल लीजिए। बाकी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको मैं इसकी कॉपी सेंड नहीं करने वाला हूँ, जो भी मिलेगा वो वीडियो में ही मिलेगा दोस्तों। और दूसरा ऐसा है, ये ऊपर हमारे शॉप का नाम रहेगा, जो भी आपका शॉप का नाम है वो रहेगा। उसके बाद में हम क्या क्या सर्विस देते हैं ना, ड्राई क्लीनिंग, स्टार्च, रोल प्रेस, पेट्रोल वॉश, जो भी है देते हैं हम, वो सर्विस यहाँ पे लिखना है आपको। और उसके बाद में ना ये डेट्स, कपड़ा देने की डेट, ओके, ये ड्यू डेट वगैरह है, डिलीवरी डेट और ड्यू डेट, ओके, तो ये है। और उसके बाद में कस्टमर्स का नाम आएगा, पर्टिकुलर्स, कस्टमर के क्या कपड़े हैं, कितने पैसे है, वो आएगा। आप चाहते हो तो कस्टमर का फ़ोन नंबर यहाँ पे लिख सकते हो। और ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको मैं फिर एक बार दिखाता हूँ, आप उसका अच्छे से स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और ट्रांसलेट कर लीजिए, आप गूगल पे ट्रांसलेट कर लीजिए। और कलर कच्चा है, बिजनेस टाइम वगैरह वो सारा कुछ है, लेकिन इसमें ये तो बिल बुक एज इट इज़ पहले जैसा ही है, सिर्फ ये मेरा पिंक कलर का था तो अभी मैंने व्हाइट कलर में छपवाया है। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि मैं सोफ़ा कारपेट क्लीनिंग के लिए क्या करता हूँ, मतलब मैंने मार्केटिंग से रिलेटेड क्या किया है अभी तक इसमें। तो मार्केटिंग के लिए मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि जो लोग लॉन्ड्री बिजनेस में पहले से आ रहे हैं ना, वही लोग ये दूसरे कामों के लिए भी आएंगे ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैंने ना हर बिल के पीछे ना, हर रिसिट के पीछे ये छपवा लिया है। तो हर रिसिट के पीछे मतलब मैंने मराठी में छपवाया है, हमारी नई सर्विस, ब्लैंकेट, रजाई, कारपेट, रग, गालीचा, सोफा सेट, ऑफिस चेयर, शूज, सभी तरह के शूज, बैग, स्कूल बैग, ट्रैवल बैग, इतना सारा काम हम ड्राई क्लीनिंग वॉशिंग वगैरह करके देंगे। तो मतलब जो भी कस्टमर आएगा ना, तो लोगों को है ना पढ़ने का थोड़ा सा शौक होता है कि इसमें क्या लिखा है क्या नहीं। पर्सनली मुझे भी पढ़ने का शौक है, अगर मेरे पास कोई रिसिट आता है ना तो मैं उसको देखता हूँ, पढ़ता हूँ उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखा है काम का। तो बस यही सोच के मैंने बिल बुक के पीछे ये छपवाया है दोस्तों। तो बस ये वीडियो यही तक थी। टर्म्स और कंडीशन आप गूगल पे ट्रांसलेट कर लीजिए। अगर आपको चाहिए कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ आपको, तो कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि मुझे टर्म्स और कंडीशन ट्रांसलेट भी करके दीजिए या मैं समझा दीजिए, तो मैं वो भी करूँगा। बाकी गूगल पे तो बहुत आसान है ट्रांसलेट करना। तो बस दोस्तों ये वीडियो यही तक थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर कीजिए, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसको क्लिक कर देना। उसके बाद में बेल आइकन आएगा, उसे भी क्लिक कर देना। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए दोस्तों, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पे भी दे दिया करूँगा। बस ये वीडियो यही तक थी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।